हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा दिमाग होता है, जो कोई भी एक कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमारा दिमाग केंद्रित रहता है और मानसिक तनाव नहीं रहता है, खुश रहते हैं हम। और किसी प्रकार की हमारी शारीरिक समस्या होती है तो हम तनाव में रहते हैं और हमारा बार बार दिमाग होता है वो उसी काम के ऊपर जाता है। आजकल की अव्यवस्थित जीवन शैली और खान पान की वजह से कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियां, हार्मोन इम्बैलेंस होने की समस्याएं होती हैं, जैसे थायराइड होता है, बीपी में लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, ये ऐसी समस्याएं होती हैं, वो एक आम समस्या हो गई और 80% लोगों में ऐसी पाई जाती है। आज का अपना टॉपिक चलेगा वो है थायराइड। थायराइड क्या है और वो कितने प्रकार की होती है थायराइड, थायराइड के लक्षण क्या होते हैं। हालांकि लक्षण सारी बीमारियों के, जो हार्मोनल बीमारियां होती हैं, उनके एक जैसे ही होते हैं, और एक जैसे की स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक बार डॉक्टर के पास में चेकअप करवाना पड़ता है कि क्या है। अगर नॉर्मल होती है तो हम अपने घर पे या होम्योपैथिक इलाज से भी सही कर सकते हैं। लक्षण के बाद में अपन जानेंगे कारण, इनके कारण भी होते हैं, क्या किस कारण से होती है। सेशन को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। पसंद आए तो अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो थायराइड का टॉपिक है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में चलेगा। पार्ट 1 में हम यहाँ तक कारण तक जानेंगे कि कारण क्या होते हैं, इसके प्रकार, लक्षण और कारण। फिर पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके निदान या उपाय, और फिर उसके बाद योगासन, यानी कि इसके लिए कौन कौन से योगासन महत्वपूर्ण होते हैं। थायराइड है क्या? थायराइड हमारे गले के अंदर एक पितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, वो एंड्रोकाइन होती है। एंड्रोकाइन मीन्स क्या होता है, यानी कि नलिकाहीन होती है। तो होता है हार्मोन को बनाना, कम या ज्यादा बनाना, यानी कि जब हार्मोन ये कम बनाती है तो हाइपोथायराइड होता है, और जब यह हार्मोन ज्यादा बनाती है तो हाइपर थायराइड हो जाता है। यानी कि अपन बात करें प्रकार की, तो थायराइड कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक एक हाइपर थायराइड जिसमें हार्मोन ज्यादा बनता है, और एक हाइपोथायराइड जिसमें हार्मोन्स कम बनता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, यानी कि थायराइड जो हार्मोनल जो भी बीमारियां होती है, बीपी से संबंधित होती है, डायबिटीज होती है, या ऐसी कोई समस्याएं होती हैं, तो उनके लक्षण एक जैसे ही होते हैं। तो हमें प्राइमरी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डॉक्टर के पास में जाके चेक करवाना पड़ता है। सबसे पहले ये पता करना है कि हमें है क्या, और थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। अगर आपका लेवल नॉर्मल है तो आप उसको होम्योपैथिक इलाज से, योगासन से, खान पान से सही कर सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर्स की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, और हर महीने से आप अपना लेवल चेक करवा सकते हो। अगर आप एक महीने ये सब चीज़ें कंटिन्यू करते हो तो 101% आपके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा और आपके लेवल। थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, हाइपर मतलब यानी कि जब जो अपना थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है वो अधिक बनाती है, जरूरत से ज्यादा बनाती है। कम होता है थकान, सांस फूलना, और दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी रहना, और तनाव सा महसूस होता है, नींद नहीं आती है, और बाल झड़ते हैं, इसमें स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है धीरे 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 धीरे, एकदम से ड्राई से, आप चाहे कितना कुछ भी लगाओ लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम होती है। गलगंड या घेंगा रोग होता है, जैसे यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ से मोटापा आ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। थायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सामान्य से कम मात्रा में आती है, जिसके कारण इसके भी कई प्रकार के ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वजन कम हो रहा था, हाइपो में वजन बढ़ रहा है, इसके अंदर हैं वो भी आपके कमजोर पड़ जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, साफ गला नहीं रहता है, मांसपेशियां होती हैं उसमें अकड़न रहती है, तनाव इसमें भी रहता है, त्वचा में रूखापन भी रहता है। इसमें होता क्यों है, इसके कारण जानेंगे हम। मतलब कोई भी बीमारी होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, जिसमें कारण क्या होते हैं कि सबसे पहले तो हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हार्मोन्स बिगड़ने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, जो हमारे स्वयं के हाथ में होते हैं, यानी कि टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से उठते नहीं हैं, या मादक पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं, और इनकी वजह से आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसके क्या कारण होते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कारण होते हैं, दोनों के अलग अलग जानेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जानेंगे, इसमें एक ग्रेव्स डिजीज होती है। हमारी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज होती है, वो आवश्यकता से अधिक बनने लग जाती है, जिसके कारण वो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने लगती है।
करने का मतलब वो यानी कि उसको डिस्टर्ब कर लेती है, उसको सही तरीके से कार्य नहीं करने। थायराइड ग्रंथि के अंदर अगर गांठ हो जाती है तो वो हमारे थायराइड हार्मोन को अत्यधिक सक्रिय कर देती है। अब आयोडीन का अगर आप अधिक अधिक सेवन कर रहे हैं भी, इससे भी क्या होता है आपका हाइपोथायराइड। दूसरा है कि जैसे गर्भावस्था गर्भकालीन होती है जिसका, तो हमें पता है कि वो 9 मंथ तक चलती है और फिर स्वतः ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की देखरेख या मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बच्चे में भी आ सकता है। मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, कैफीन का सेवन कर रहे हैं मतलब चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, 2 से भी ज्यादा और क्वांटिटी में भी ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे भी होता है वो थायराइडिज में क्या होता है, हार्मोन्स कम बनता है। कम बनता है तो कम बनने के कारण क्या होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो उनको बाधित करती। हाशिमोए डिजीज होती है जिसके कारण क्या होता है कि जो आप ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो हार्मोन को कम सक्रिय कर देती है यानी कि कम मात्रा में हार्मोन बना जाता है इसको बाधित। एक होती है थायराइडेक्टोमी जिसको डॉक्टर्स की भाषा में बोलते हैं, ये क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में कहीं से कोई सर्जरी हो जाती है और कुछ हिस्सा इसका निकाल दिया जाता है तो उससे थायराइड होता है वो कम मात्रा में बनता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आनुवंशिक भी मिलती हैं, जैसे ध्यान नहीं देते हैं गर्भ में बच्चा पल रहा है या माँ की है तो वो ऑटोमेटिक ही बच्चे में। कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी, चोट लग गई वो इंस्टेंट कारण होते हैं तुरंत वाले, सिर में चोट हो लग गई तो इसकी वजह से भी हमारे जो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम वो गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोन्स पर भी फर्क पड़ता है और इसकी वजह से कई तरह की डिजीज सर्जरी के कारण भी होता है और ट्यूमर हो जाती है तो उसके कारण भी होता है।